लेकिन सर अजंता फार्मा कैसा दिखता है? 1244 रुपए का स्टॉक चल रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा सर इसमें। नीचे का लेवल एक बार फिर से इसका 1183 1183 या 1167 ये दो लेवल मेरे पास बन रहे हैं। अगर मैं गैन नंबर को चेक करता हूं अगर, तो ये लेवल कोई 1191 बना रहा है। सो 1191 का लेवल, 1174 का लेवल, और मैं जो बोल रहा हूँ वो तो वहां पर कहीं ना कहीं 1100 के आसपास, 1100 मतलब 1200 के नीचे में थोड़ा सा उतरने का एक बार फिर से कोशिश करेगा, उस जगह पर एंटर करो। टाइम भी तब तक चला जाएगा और 15 जुलाई निकल जाएगा। 15 जुलाई के बाद में फार्मा स्टॉक्स के अंदर में एक तेजी बननी शुरू हो जाएगी। सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, अजंता फार्मा है। 15 जुलाई प्लस माइनस 3-4-5 दिन आप रख लो हाथ में। सो 15 जुलाई ऑनवर्ड्स आप धीरे धीरे एंटर करना शुरू करो। सितंबर अक्टूबर तक में ऑलमोस्ट काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे कई सारे स्टॉक में। अगर 1244 का स्टॉक अगर नीचे में 1190 के आसपास अगर एंटर करते हो, और अगर मैं सितंबर तक का ही टारगेट लेता हूं, तो सितंबर तक का मेरा टारगेट जो आ रहा है वो 1360 रुपए का आ रहा है। सो 1190 से 1360 रिटर्न अच्छा है सितंबर तक में, और बाकी सारे फार्मा स्टॉक में भी आप एंटर कर सकते हो उसके बाद में। जी ये राय है अजंता फार्मा पे भी और साथ ही साथ ओवरऑल फार्मा सेक्टर पे नितिन जी की लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अजंता फार्मा अच्छा कैंडिडेट है खरीदारी का? बहुत अच्छा कैंडिडेट सर, अच्छा कैंडिडेट, बिल्कुल अच्छा कैंडिडेट है सर। अगर लॉन्ग टर्म अगर मैं बोलूं, अगर ऑलमोस्ट 360 दिन का मैं एक नंबर लेता हूं, अगर मैं एक साल का आकर, तो एक साल के अंदर में मेरे पास में स्टॉक का जो लेवल आ रहा है सर, वो लेवल मेरे पास आ रहा है 1505 रुपए का। मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर अगर हम जून में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 1505 का ही लेवल चल रहा होगा। ठीक है, ये राय है अजंता फार्मा पे नितिन सर।